नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। जब भी नितिन गडकरी जी से, जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्री हैं, उनसे ये बात की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है कि सर, हमारे देश में जो टोल प्लाजा हैं इनको हटा देना चाहिए, तो उनका तर्क होता है कि ये टोल प्लाजा हमारे देश की प्रगति के लिए बेहद अहम है। कैसे? उनका कहना होता है कि जो LPI है दुनिया का, उसमें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, आसान भाषा में बोले तो ढोआ ढुलाई का एक रैंकिंग होती है, कहाँ सबसे सस्ती और अच्छी होती है, तो उसमें जो इंडिया का रैंक है वो 44th है, 44वां रैंक है पूरी दुनिया में। नंबर वन पर जर्मनी है। तो उनका कहना होता है कि उसको जो कॉस्ट को कम करना है, जो हमें, वो सिर्फ उसका एक ही तरीका है कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार दौड़ें सड़कों के ऊपर, सरपट दौड़ें, इसीलिए हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, और उनका खर्चा कैसे पूरा होगा, वो टोल लगाने पड़ेंगे, तो टोल बहुत अहम है, उनका कहना होता है। तो हमने बीते दिनों एक देखा, हमें एक वीडियो आया, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। वाराणसी के पास में ये टोल है, डफी टोल प्लाजा इसे बोलते हैं। वहाँ का एक आप वीडियो देखिए, जो हमारे एक व्यूअर ने भेजा है, कि कितनी मतलब रफ्तार के साथ वहाँ गाड़ियाँ टोल प्लाजा से गुजरती हैं, और प्रगति का एक बड़ा ज़बरदस्त नमूना आपको पेश होता है इस वीडियो के अंदर, जो गडकरी जी कहते हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए प्लीज़। देखो, कम से कम 4-5 किलोमीटर का लंबा जाम है, हमारे साथ तो साला वो काम हो रहा है, नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, यहाँ खड़े हो के टाइम वेस्ट हो जाता है, झाड़ियाँ टूटती हैं कभी रास्ते में, कभी टोल टैक्स पे, कभी कुंभ के मेले के चक्कर में जाम हो जाता है रास्ता, हमारा कसूर क्या है ये तो बताओ, हमें पूछना चाहते हैं हम सरकार से और जनता से भी, कोई जवाब नहीं देता हमारी इस बात का। यहाँ लाइन में खड़े खड़े हो के 2-2 हज़ार का डीजल फूंक देते हैं हम, इससे बढ़िया 200-400 रुपये टोल के बढ़ा दो आप, अपने बंदे बढ़ाओ, ये सिर्फ टोल टैक्स का जाम है। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ कितने किलोमीटर की है, अभी मैं ऑटो में बैठा हूँ, गाड़ी मेरी लाइन में लगी हुई है, 3.5 घंटे मैं इस टोल पर पहुँचा हूँ, मैं 3.5 घंटे में 100 किलोमीटर गाड़ी सफर पार करती है। यह है बनारस का टोल रामनगर के पास, ये सब है अंधा कानून। 100 नंबर पे फोन किया, 100 नंबर वाले बोले सर्वे डाउन चल रहा है, इसका तो हर बार जाने में भी सर्वे डाउन होता है और आने में भी। ट्रांसपोर्ट टीवी वालों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, ध्यान से देखना। तो जैसे कि आपने ये वीडियो देखा, जो व्यूअर हैं हमारे वो बता रहे हैं, वो करनाल के रहने वाले हैं, नाम उनका धर्मवीर पंजाबी है, वो करनाल से अपना माल लेके जाते हैं उड़ीसा भुवनेश्वर में, तो अक्सर वो इस रूट पर सफ़र करते हैं। तो उनका कहना था कि कुछ दिन पहले जब वो वहाँ से गुजरे इस टोल प्लाजा से, तो 1.5 किलोमीटर से लेके 4-5 किलोमीटर तक यहाँ पर नॉर्मल लाइन्स होती हैं, और इस बार भी वही हाल था, और उनको 3.5 घंटे लगे इस टोल प्लाजा को पार करने में। और उनका कहना था कि जब वो दूसरी तरफ 10 दिन पहले इसी रूट पे वापस आ रहे थे भुवनेश्वर से करनाल की ओर, तो इसी टोल प्लाजा पर वो रात को 10 बजे रुके और सुबह 4 बजे वहाँ से निकले। देखिए, 3.5 घंटे जाते हुए 6 घंटे आते हुए। इससे गडकरी जी से हम पूछना चाहते हैं, हमारे माननीय मंत्री जी से, कि सर, इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट अब नहीं बढ़ती है क्या? कितने दिन वो गाड़ी वहाँ पर बिना वजह, कुल मिला के 9.5 घंटे आने जाने में उनके वेस्ट हो जाते हैं, तो क्या उससे कॉस्ट नहीं बढ़ेगी? कितना तेल वहाँ फूका होगा, गाड़ी को बंद भी नहीं कर सकते, धीरे धीरे गाड़ियाँ मूव करती रहती हैं। फिर उस ड्राइवर ने सोना भी है, 10 बजे वो लाइन में लगा, 4 बजे तक वो सो भी नहीं सकता, रोड सेफ्टी के लिए भी खतरा बन गया आगे आगे वो, उसके बाद वो सोएगा नहीं क्योंकि उसको लगता है पहले लेट हो गया, अब मैं भगाऊँ गाड़ी को। तो ये टोल प्लाजा से हम क्या हासिल कर रहे हैं, और कहाँ है फास्टैग? अगर आप ध्यान से वीडियो में देखें तो गाड़ी ये फास्टैग की लेन में लगी हुई है, लेकिन आप सोचने वाली बात है कि 0.5 किलोमीटर जब लाइन लंबी हो जाती है और पीछे से एक नई गाड़ी आती है, तो उसे तो पता ही नहीं चलता कि फास्टैग वाली लेन कौन सी और दूसरी वाली कौन सी है। और फास्टैग में हमने अक्सर देखा है कि दूसरी गाड़ियाँ जो विदाउट फास्टैग होती हैं वो भी उसमें घुस जाती हैं, तो फास्टैग लेने वाला अपने आप को बेवकूफ़ सा महसूस करता है कि मैंने एडवांस में पेमेंट ऐसी कर दी, मुझे क्या फ़ायदा हुआ, अगर मुझे भी वहीं पर 3-6 घंटे रुकना है तो क्या फ़ायदा हुआ। हमने अपने व्यूअर से ये भी पूछा कि हो सकता है ये रश कुंभ की वजह से हो, क्योंकि अभी इलाहाबाद में कुंभ भी चल रहा है और ये रोड है जो इलाहाबाद टू वाराणसी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि कुंभ बहुत पीछे छूट जाता है इलाहाबाद में,
ये मैं वाराणसी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर कुंभ का कोई खास इतना असर नहीं है। हाँ, हालांकि उन्होंने यह बताया कि कुंभ की वजह से उनको कई रोड्स वहाँ पर बंद कर दी गई हैं, तो 130 किलोमीटर वो पहले ही घूम के आए जो रोड्स बंद के वजह से, और उसके बाद आके यहाँ पर 3-3.5 घंटे उनको रुकना पड़ गया। तो टोटल जो उनका रूट था 3 दिन उनको ज़्यादा लग गए इस पूरी कहानी के अंदर। और ये जो हम जो टोल प्लाज़ा, ये कोई मामूली टोल प्लाज़ा नहीं है, डफी टोल प्लाज़ा है, संसदीय क्षेत्र है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वाराणसी, बिल्कुल वाराणसी के पास में ये लगा हुआ है। प्राइवेट कंपनी है सोमा इंडस वाराणसी औरंगाबाद टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, उसकी रसीट आप देख सकते हैं, 325 रुपये इससे टोल लिया इस बात का कि 6 घंटे आपको इंतज़ार करवाया और 325 रुपये भी ले लिए, जबकि 3000 रुपया असूलन अगर कोई सरकार ढंग की हो तो और नियम बनाया हो तो इस बंदे को पे करना चाहिए पर आवर पर मिनट के बेसिस पे, पहले 5-10 मिनट के बाद इसको पे करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, इसलिए टोल वाले को भी कोई जल्दी नहीं रहती है। अगर टोल वाले चाहें तो वो जैसे कंडक्टर होता है ना बस के अंदर, तो वो कुछ लोग ऐसे रख सकते हैं जब लाइन लग जाती है कि जा के पहले ही पर्चियाँ काट दें और फटाफट गाड़ियाँ निकल सकती हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है, कहाँ कंप्लेंट करेंगे, NHAI में? NHAI को भी जो फिक्र रहती है वो टोल डेवलपर की रहती है, रोड डेवलपर की रहती है, आम लोगों की नहीं, और मिनिस्ट्री का भी आप देखिए कहाँ पर कंप्लेंट करें इस बात की, कोई ऐसा नंबर नहीं, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। अगर आपके टोल के टोल पर आपके पास बदतमीजी होती है या ऐसे देरी होती है, कोई कानून नहीं है। तो ये जो हम सिर्फ वाराणसी की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे हालात हमारे देश के अन्य टोल प्लाजों पर भी हैं, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। हमने पहले भी एक रिपोर्ट दी थी और भी आगे देंगे डिटेल के अंदर, कि जो नितिन गडकरी जी नया प्लान लेके आ रहे हैं उसके अंदर देश में नए 300-400 नए टोल लगेंगे, क्योंकि पुरानी सड़कों को बेचा जा रहा है विदेशी कंपनियों को और वो 30 साल तक वहाँ पर टोल लगाएंगी, और उनसे वादा किया जा रहा है कि हमारी गारंटी है कि आपको घाटा नहीं होगा टोल लगाने में। बिल्कुल, वो तो पता ही है कि घाटा नहीं होगा, घाटा सिर्फ वहाँ पर चलने वालों को होगा। तो कम से कम जब सर नए आप एग्रीमेंट जो हमारी सरकार कर रही है उसमें कम से कम ये क्लॉज तो डालिए कि अगर वहाँ 5-10 मिनट से ज़्यादा देरी होती है तो कम से कम तब तो जो टोल कंपनी है कोई कॉम्पनसेशन पे करे। तो फिलहाल कोई उम्मीद तो नहीं लग रही है कि इन टोल प्लाजों से हमारा जल्दी छुटकारा होगा, क्योंकि आने वाले चुनाव में भी ये कोई मुद्दा किसी पार्टी के पास नहीं है कि हम टोल प्लाजों से आपको राहत दिलवाएंगे। तो हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। तब तक हर अहम हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहें ट्रांसपोर्ट TV। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारा पेज ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट TV को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ ताकि ट्रांसपोर्ट जगत की कोई भी खबर छूट ना जाए।